हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक नए अपडेट के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। आज हम जिस लोकेशन पर पहुंचे हैं, ये भरूच जम्बूसर रोड है, जो कि थाम रेलवे स्टेशन के पास की लोकेशन है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर क्या क्या काम अभी चल रहा है और कितना काम अभी हो चुका है। ये जो लोकेशन है, यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो कि भरूच जम्बूसर रोड और भरूच और दहेज के बीच की जो रेलवे लाइन है, उन दोनों को एक साथ क्रॉस करेगा। अभी हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और सामने आपको फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर करीब करीब सारे ही पियर और पियर कैप्स का काम पूरा हो चुका है। कई सारे स्पैंस में जो गर्डर लॉन्चिंग है वो भी हो चुका है। जो रोड वर्क और जो रेलवे लाइन है, रोड और रेलवे लाइन दोनों के ऊपर गर्डर रखना अभी बाकी है। और जो दूसरी साइड है फ्लाईओवर की, रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद, वहाँ पर भी गर्डर रखना अभी बाकी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये फ्लाईओवर है उसकी एक काफ़ी लंबी रिटेनिंग वॉल यहाँ पर बनाई जा रही है और साथ साथ में उसके अंदर जो अर्थ फिलिंग है वो भी की जा रही है। जो फ्लाईओवर के नज़दीक वाला हिस्सा है वहाँ पर भी अर्थ फिलिंग का काम और रोलिंग का काम चल रहा है। सामने आपको एक बॉक्स कलवर्ट दिख रहा होगा, जिसका काम जो सिविल वर्क है वो पूरा हो चुका है। अभी दोनों साइड में अर्थ फिलिंग का काम बाकी है। और यहाँ पर आपको जो एरिया दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर इस वक्त जो काम चल रहा है। चलिए दोस्तों, इस रोड के साइड से जो अर्थवर्क है उसके बाजू से एक राइड लेते हैं और पता करते हैं कि कितनी हाइट तक अर्थवर्क का काम अभी पूरा हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो रोड की हाइट रहने वाली है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो ग्राउंड लेवल है उससे करीब 10 से 15 फीट ऊपर ये रहने वाला है। और काफ़ी हद तक इस एरिया में जो ग्राउंड वर्क है, जो अर्थ फिलिंग वर्क है, वो पूरा किया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, जो जेसीबी है, वो यहाँ पर फिलहाल खड़ी है। आगे चलकर हम देखेंगे कि जो अंडरपासेस है उनका काम भी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ जो रिटेनिंग वॉल और जो अर्थ फिलिंग है उतना ही काम यहाँ पर बाकी है। सारे ही अंडरपासेस जो इस रोड पर बनाए गए हैं वो काफ़ी वाइड बनाए गए हैं और जो भी व्हीकल्स इसके नीचे से जाएंगे, छोटा हो या बड़ा, किसी को भी तकलीफ नहीं होने वाली है। जो बॉक्स कलवर्ट है उसका भी काम करीब करीब पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट हम लेकर आएंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून दोस्तों।